हर हर महादेव। प्रवीण पांडे जी प्रतापगढ़ से हैं, उत्तर प्रदेश से। इनका जो है प्रश्न है, बड़ा सार्वजनिक और भ्रामक प्रश्न है, इसका जो है उत्तर बड़े मनोयोग पूर्वक श्रवण करें। प्रश्न देखिए क्या है, पहले कह रहे हैं कि गुरुजी मन में एक प्रश्न है, मैंने सुना है कि सूर्यास्त के बाद वेद मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, किंतु आजकल सभी शादियां रात में ही होती हैं, क्या यह उचित है? प्रणाम गुरुदेव। जय हो भैया, बहुत अच्छा प्रश्न है, सुनिए। दो बात देखिए, क्या इनका प्रश्न यह है, ध्यान से सुने, क्या रात्रि में वेद मंत्र पढ़े जा सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, क्या रात्रि में विवाह हो सकता है, दूसरा प्रश्न। तो ये जो है देखिए कि रात्रि के प्रथम प्रहर तक वेदाध्ययन और वेद स्वाध्याय हो सकता है, रात्रि के प्रथम प्रहर में और रात्रि के चतुर्थ प्रहर में। ऋतुम प्राप्य अधीयीरण, ये जो प्रातःसाख्य का सूत्र है, इस पर अन्नम भट्ट की व्याख्या में लिखा हुआ है कि ऋतु का मतलब हेमंत ऋतु को प्राप्त करके और रात्रि के चतुर्थ प्रहर से ही वेदाभ्यास करना चाहिए। यूं देखे तो जब हनुमान जी महाराज लंका में गए हैं तो अशोक वृक्ष पर बैठे हुए और वहां उन्होंने रात्रि के चतुर्थ प्रहर के प्रारंभ होते ही उन यातुधानों को, राक्षसों को, विभिन्न प्रकार की वेद की शाखाओं के मंत्रों को बोलते हुए श्रवण किया और प्रथम प्रहर में भी धर्मशास्त्रों में वेदाध्ययन, वेद स्वाध्याय, वैदिक कर्म करने का अधिकार है। सायंकाल की संध्या इत्यादि, सायंकाल के जो कृत्य हैं उनका मुख्य, संध्या का काल तो सूर्यास्त से पहले है और अग्निहोत्र आदि का मुख्य काल सूर्य अस्त के समय पे है, आधा बिंब अंदर आधा बाहर हो तो मुख्य काल है, फिर वेद की शाखाओं के अनुसार भी है, किसी का पहले किसी के बाद में भी है। तो परंतु इनका गौण काल प्रथम प्रहर की समाप्ति तक है, पर मध्य प्रहर जो दो हैं उनको निशीथ कहते हैं, निशीथ काल। निशीथ काल में वेद का स्वाध्याय, वेदाध्ययन करना सामान्य रूप से वर्जित है, परंतु यदि कोई विशेष कार्य हो तो उस समय भी उसका अनुसरण हो सकता है। जैसे जैसे रात्रि में चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण में यदि कोई गायत्री जप करना चाहता है या किसी वेद का पाठ करना चाहते हैं तो रात्रि में भी होगा। रात्रि में यदि बालक जन्मता है तो जात कर्म संस्कार होगा कि नहीं? जात कर्म संस्कार, नालक छेदन आदि क्रियाएं जो है वे जात कर्म जो है हमारे यहां संस्कार है, 16 संस्कारों में उसकी परिगणना है, हर गृह सूत्र में जात कर्म संस्कार की चर्चा है। तो जात कर्म संस्कार कोई पता है कि बालक रात्रि में नहीं जन्मेगा, वो तो कभी भी निश्चित काल में भी जन्म हो सकता है, तो उस समय भी प्रयोग होगा कि नहीं? लिखा है कि अगर तीर्थ में जब भी पहुंचे, कभी भी पहुंचे, तो उसी समय तीर्थ स्नान और तर्पण आदि होना चाहिए, रात्रि में जाए तब भी। तो इसी तरीके से कोई कार्य है, और भी शास्त्रीय कुछ कार्य हैं, तो उस समय पर वैदिक मंत्र और वैदिक तंत्र का प्रयोग हो सकता है, यानी विधि का प्रयोग हो सकता है, इसमें कोई भी निषेध नहीं है, क्योंकि वचन बलात् ऐसे वचन है शास्त्रों में, तो वो कार्य होगा। अब रही बात विवाह संस्कार रात्रि में हो या दिन में ही हो, तो दिन में भी विवाह होता है और रात्रि में भी होता है। रात्रि का विवाह भी शास्त्रीय है और दिन का विवाह भी शास्त्रीय है। सामान्य दृष्टि से देखने पर
तो यही अच्छा लगता है, सही है कि भाई दिन में भी विवाह हो और वो भी पूर्वाह्न में हो, प्रातः काल में हो, स्नान इत्यादि नित्य नैमित्त क्रियाओं को करके और विधि पूर्वक अपने गृह सूत्र के अनुसार, अपनी शाखा के अनुसार और विवाह विधि संपन्न की जाए। लेकिन रात्रि में भी विवाह शास्त्र सम्मत है, निषिद्ध नहीं है। जो हमारे 16 संस्कार हैं वो किसके आधार पर होते हैं? अपनी शाखा के गृह सूत्र के आधार पर, अपनी शाखा के गृह सूत्र के आधार पर ही विवाह होते हैं। तो हम लोग जो जो है शुक्ल यजुर्वेदी हैं, कातीय हैं, तो इन लोगों का पारस्कर गृह सूत्र के अनुसार ही जो है विवाह आदि संपन्न होते हैं। तो पारस्कर गृह सूत्र के जो है पहले कांड के 8वीं कंडिका के 19वें सूत्र पर, मंत्र पर जो है आप भाष्य देखें गदाधर जी का और हरिहर जी का, तो आपको पता चल जाएगा। मूल में ही देखें क्या लिखा हुआ है कि अस्तमिते ध्रुवम दर्शयति, ये सूत्र है। कह रहे हैं कि यदि विवाह में होता ना कि सूर्य का दर्शन कराया जाता वर वधु को, अथवा रात्रि में हो, अस्तमिते सूर्य का अस्त हो जाए, रात्रि में यदि विवाह हो रहा हो तो ध्रुवम दर्शयति, तो ध्रुव का दर्शन कराए, ये गृह सूत्र में ही लिखा हुआ। तो इससे सिद्ध हुआ कि रात्रि में विवाह होते हैं। कह रहे हैं कि यदि रात्रि में विवाह हो रहा हो तो ध्रुव का दर्शन कराए, ध्रुव का मंत्र दिया हुआ है पूरा लिखा। एक बात और बतला दें कि वर जो है वधु को कहता है कि ध्रुवम निरीक्ष्य निक्षस्व, है ना, ध्रुव को देखो, और यदि वो ध्रुव का दर्शन नहीं करती है ना, ध्रुव उसको दिखाई नहीं देता है, तो तब भी वो कह दे हाँ हमको दिखाई दे रहा है। सा यदि न पश्येत पश्यामि इत्येव ब्रूया, 1820 पारस्करी सूत्र। कि वो ध्रुव जो है कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बादल आ जाए नहीं दिखाई दे, या ध्रुव तारा जो होता है वो तारों को देख पाना जो है बड़ा मुश्किल रहता है कि कौन सा है। किसी बालिका को छोटी अवस्था में विवाह होता था, पता नहीं कौन सा ध्रुव है भैया, वहां तो बहुत से तारे दिखाई दे रहे हैं, कौन ध्रुव है नहीं समझ, इसमें ही समय लग जाएगा। तो कहते हैं हाँ, वो कहते हैं ध्रुवम इक्षस्व, ध्रुव को देखो, तो वो कहे हाँ। सा यदि न पश्ये, यदि वो नहीं भी देख पा रही है तो पश्यामी इति एव ब्रूया, हाँ देख रही हूं, देखती हूं, ठीक है, वो ऐसा कह देवे। तो ये ध्रुव की चर्चा जो है रात्रि के विवाह में ही तो होगी, दिन में कहां दिखेगा। तो ये विकल्प हमारे आचार्य ने, पारस्कर जी ने ही दिया हुआ है, तो ये तो हमारे गृह सूत्र में, तो रात्रि में विवाह करने की अनुमति दी है कि नहीं, इसलिए ये विकल्प है। ऐसी कोई भी विचिकित्सा, कोई भी शंका करने की आवश्यकता नहीं है कि सनातन धर्म में मुगलों के डर से या किसी अन्य कारणों से जो रात्रि में विवाह की परंपरा चल पड़ी है। नहीं, ये शास्त्रीय है, ये गृह सूत्र तो अनादि है, और इसलिए ये हमारी जो परंपरा शाश्वत है, इसमें कोई भी ऐसी शंका करने की आवश्यकता नहीं है। हर हर महादेव।